हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरेश और मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कई तरीके से दानिश के बारे में बहुत सारी गलत गलत चीज़ें, बहुत फेक वीडियो सुनने में आ रहा है कि दानिश का बाइक से एक्सीडेंट हो गया और ड्रिंक ड्राइव किया था और वो ऐसा किया वैसा किया, बहुत फास्ट गाड़ी थी उसकी वाली। इससे मैं रहा नहीं गया और मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि दानिश, जिस दिन दानिश की डेट हुई उस दिन दानिश 11 बजे तक मेरे साथ ही थे। हम लोग मैकडी में हम लोग थोड़ा पार्टी कर रहे थे, कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे और मैकडी से दानिश शादी में गया, उसके फ्रेंड की शादी थी और दानिश शादी करके रिटर्न आते समय उसका हादसा हुआ। दानिश ने कभी उस दिन ड्रिंक नहीं की थी, वो बहुत खुश था उस दिन और मुस्लिम शादी में गया था, इसलिए मुस्लिम शादी में ड्रिंक अलाउड नहीं होती है। तो दानिश ने ड्रिंक और ड्राइव बिल्कुल भी नहीं किया था। शायद से दानिश जो गाड़ी से आ रहा था, शायद उस गाड़ी के सामने पत्थर आ गया या कुछ गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के कारण दानिश की एक्सीडेंट से डेथ हो गई और दानिश इस दुनिया में नहीं रहा। पर जो लोग जो गलत गलत चीज़ें छाप रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, प्लीज़ वो बंद कर दो, क्योंकि दानिश वैसा लड़का नहीं था। दानिश आप जैसे सोच रहे हो, दानिश बिल्कुल भी वैसा लड़का नहीं था। वो कभी बहुत ही ड्रिंक करके गाड़ी कभी भी नहीं चलाता था। मैं दानिश से साथ इतने साल से मैं रहा हूँ, उसके साथ में पार्टी में भी मैं गया हूँ दानिश के साथ में, पर वो कभी ड्रिंक करके गाड़ी कभी भी नहीं चल रहा ज़िंदगी में। और इतनी तेज़ भी वो गाड़ी नहीं चलाता जितना उसको कि दूसरों को नुकसान हुए गाड़ी से या दूसरों को प्रॉब्लम हुई, इतना वो तेज़ गाड़ी नहीं चलाता। काफ़ी ऊँची अच्छी बचपन से वो गाड़ी चलाता था, काफ़ी उसके पास गाड़ी है, बाइक्स उसके पास है, तो सेफली वो गाड़ी चलाता था। पर जो लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो वीडियो बना बना के डाल रहे हो कि दानिश ऐसा था वैसा था, उसने ड्रिंक किया था, ड्रिंक एंड ड्राइव गाड़ी चला था, बहुत तेज़ गाड़ी था, 200 की रफ्तार में गाड़ी था और उससे गाड़ी संभरा नहीं गई, जिससे गाड़ी का बैलेंस छूट गया और वो एक्सीडेंट हो गया, तो गलत बात है। चाहे हो सकती गाड़ी स्पीड में हो, पर जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ पे मैं 2 दिन पहले वहाँ पे गया था दस्त, तो है वहाँ पे पत्थर आ सकते हैं रास्ते में, क्योंकि वहाँ पे गांव नहीं है, अपन काफ़ी वहाँ पे थोड़ा रास्ते में पत्थर हुआ रहते हैं, तो शायद से गाड़ी का ऐसा भी हो सकता है गाड़ी के नीचे पत्थर आ गया हो और गाड़ी का बैलेंस। दानिश के साथ में एक दो लड़का था, दानिश का फ्रेंड लोग साथ में गया था, वो भी वही बता रहा है कि गाड़ी के सामने कुछ पत्थर आ गया और गाड़ी का बैलेंस छूटने के बाद में वैसे नहीं। लोग बोल रहे दानिश के साथ साथ में 4 लड़के थे, उनका बहुत ही मतलब ऐसे अफवाह फैल रहे कुछ भी। दानिश के साथ में कहीं एक ही लड़का था और दानिश था और दानिश गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है दानिश इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा लड़का था। दानिश इंडिया के लिए बहुत ही वो मतलब इंडिया का नाम रोशन करने वाला लड़का था दानिश ज़ैन। ये इंडिया को उसके जाने के बाद पता चल रहा है, वो काफ़ी स्टार लड़का था और ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात थी। तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ गलत मत छपाइए, गलत वीडियो मत डालिए उसके बारे में। दानिश वैसा दिखता था वैसा लड़का नहीं था। इतने सारे हीरो ने कमेंट्स किया है, वरुण धवन ने बहुत सारे कमेंट्स किए उसके ऊपर, मतलब अच्छा कमेंट्स है, तो अच्छा लड़का था। बहुत सारे स्टार अभी वो लोगों ने उसके लिए दुआ मांगी है, तो प्लीज़ आप गलत चीज़ें मत छपाइए, उसके लिए दुआ कीजिए, उसकी आत्मा को शांति मिले।